हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपके लिए फ्री में क्लासेस दे रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो इसका लाभ आप जरूर उठाइए और डेली बेसिस पे अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपनी कमियों को ढूंढिए। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कॉन्टेक्ट अवेलेबल हैं। 3 सेशन चैप्टर वाइज दिया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 79-80 वीडियोज हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस कराया गया है और डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, IOC ओलंपिक खेल आयोजन का स्थान देते हैं। तो बहुत से देश अपने अपने तरफ से दावा करते हैं और उन देशों में से किसी एक शहर को चुना जाता है, ठीक है। तो आयोजन स्थान किसको देते हैं? शहर को। नेक्स्ट है, पाठशाला स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से एक कार्य नहीं आता है। तो दोस्तों, पाठशाला में स्वास्थ्य शिक्षा में हम साफ सफाई करना सिखाएंगे, स्वास्थ्य ज्ञान देंगे, स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, बट रोगों का उपचार वह क्लिनिक में होगा, पाठशाला में नहीं। नेक्स्ट है, सर्किट ट्रेनिंग किस विकास के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग जो है वह स्ट्रेंथ एंड रेंज को विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ताकत एवं दमखम। सर्किट ट्रेनिंग 1957 में एडमसन एंड मॉर्गन ने खोजा था। नेक्स्ट है, फ्लेक्शन प्रक्रिया सदैव किस तल में होती है? जैसा कि आपको पता है, 3 तल यानी कि प्लेन और 3 एक्सिस यानी कि अक्ष होता है। तो 3 तल यानी प्लेन कौन कौन से होते हैं? सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं और सेजिटल प्लेन जो है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है और जो गति होता है आगे पीछे होता है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट। यानी कि फ्लेक्शन प्रक्रिया सदैव कहाँ पर होगी? तो सेजिटल तल में होगी। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं। फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, यानी एबडक्शन एडक्शन मोमेंट्स होता है। तीसरा तल यानी प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और गति जो है सभी रोटेशन एंड एलिवेशन मोमेंट्स होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक प्रक्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल यानी रिलैक्स होती हैं वो हैं। तो दोस्तों, जब गति में मुख्य सहायक होती है उसे मांसपेशी के संकुचन में मुख्य भूमिका अदा करती है, उसे एगोनिस्ट बोला जाता है। और उसके विपरीत जो पेशी शिथिल होती है, रिलैक्स होती है, उसे एंटागोनिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट आपका राइट होगा। जैसे आर्म फ्लेक्शन के समय फ्लेक्शन करने में मुख्य भूमिका बाइसेप्स मसल निभा रही है, तो वहां पे बाइसेप्स मसल्स एगोनिस्ट का कार्य कर रही है और जो ट्राइसेप्स मसल्स है वो एंटागोनिस्ट का कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, शरीर की मध्य रेखा से दूर जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, अपने हाथ को कंधे के बराबर आप लाएंगे, शरीर से मध्य रेखा से दूर ले जाएंगे, तो उसको एब्डक्शन बोलेंगे। क्या कहेंगे? एब्डक्शन। और शरीर की मध्य रेखा से पास लाने को एडक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जन सामान्य की शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है? तो दोस्तों, जन सामान्य के शारीरिक क्षमता बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है कि शारीरिक शिक्षा कोर्स सभी के लिए अनिवार्य किया जाए। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति का बुद्धिमत्ता यानी कि कोष्टक बुद्धि लब्धि IQ क्षमता कितना होता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि IQ जो है बुद्धि लब्धि 140 से अगर ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली जीनियस बोला जाता माना जाता है। 120 से 140 के बीच है तो प्रखर बुद्धि सुपीरियर बोला जाता है।
110 से 120 के बीच है तो तीव्र बुद्धि होता है, और 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि एवरेज बुद्धि बोला जाता है। तो यहाँ पे 90 से 110 आपका राइट होगा, और 80 से 90 है तो बुद्धि दौर्बल्य, और 70 से 80 है तो बुद्धु यानी डल बोला जाता है, 50 से 70 है तो मूढ़, और 25 से 50 है तो हीन, और 0 से 25 है तो जड़ एडियट बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लायोमैट्रिक्स को यह भी बोला जाता है। तो प्लायोमैट्रिक्स जो है जो ये एक लाइन से बॉक्स रखा जाता है और उसमें से जंप करना होता है नीचे, तो यहाँ पे गति शक्ति दोनों का प्रयोग होता है। तो प्लायोमैट्रिक्स से द्वारा विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का डेवलप होता है, इसे प्रतिक्रिया कूद भी कहते हैं, प्रतिक्रिया कूद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार दर होती है। तो दोस्तों भार दर जो है वह हमेशा भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती। नेक्स्ट है आइसोटोनिक व्यायाम में पेशी की लंबाई क्या होती है। आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब लंबाई, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है बट मांसपेशियां की लंबाई छोटी बड़ी होती है, छोटी तथा लंबी होती है। जैसे आप डंबल अभ्यास कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो छोटी हो रहा है, फिर नीचे की तरफ ला रहे हैं तो लंबी हो रहा है। इसमें कंसेंट्रिक इसेंट्रिक मूवमेंट होता है, डंबल अभ्यास में हाथ को ऊपर की तरफ ले आ रहे हैं तो यहाँ पे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन हो रहा है, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा। नेक्स्ट है ट्राई का स्पीड और बाई का स्पीड क्या है। तो दोस्तों ट्राई का स्पीड एंड बाई का स्पीड जो है हृदय के वाल्व यानी कि कपाट है, तो हृदय के वाल्व है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे हृदय में चार कपाट यानी दरवाजे यानी वाल्व पाए जाते हैं, जैसे कि दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच ट्राई का स्पीड वाल्व होता है जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है। फिर दूसरा होता है बाई का स्पीड वाल्व जो बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच में होता है, और दो सेमिनुलर वाल्व होते हैं जिसमें से एक पल्मोनरी वाल्व और दूसरा एरोटिक वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व जो है वह दाएं निलय के संकुचन होने पर अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी वाल्व के रास्ते पल्मोनरी धमनी से होता हुआ दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश कराता है, और दूसरा सेमिनुलर वाल्व होता है एरोटिक वाल्व जो बाएं निलय के संकुचन होने पर शुद्ध रक्त को एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी एरोटा से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है अधिक भार वाले व्यायाम के बाद बढ़े हुए मांसपेशी आकार को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि अधिक भार वाले व्यायाम के कारण या उसके बाद मांसपेशी का आकार बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है, तो उसे मस्कुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और दूसरा होता है कि कम व्यायाम या व्यायाम न करने की वजह से या अनुवांशिकता के कारण किसी कारण बस मांसपेशी कमजोर ढीली पड़ जाती है, तो उसे मस्कुलर एट्रॉफी या अट्रॉफी या डिस्ट्रॉफी कहते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी ऊतक की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों संपूर्ण मांसपेशी को जो घेरती है उस परत को कहते हैं एपिमाइसियम। क्या कहते हैं? एपिमाइसियम। और मांसपेशी तंतु के समूह को घेरती है तो उसे पेरिमाइसियम कहते हैं। एक मांसपेशी तंतु को तंतु जिस परत से घिरा रहता है उसको एंडोमाइसियम कहा जाता है। नेक्स्ट है सनबर्न एवं स्नो ब्लाइंडनेस होता है। तो दोस्तों यह ऊंचे स्थानों पर अक्सर होता है। एंड नेक्स्ट है लाल पेशियों में होती है। तो दोस्तों मांसपेशी तंतु दो प्रकार के होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर धीरे धीरे संकुचित होता है, स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है, एंड व्हाइट मसल फाइबर तेज तेज संकुचित होता है यानी फास्ट ट्विस्ट फाइबर होता है। जो व्हाइट मसल फाइबर होता है अन एरोबिक क्रियाओं, छोटे समय की क्रियाओं, हाई इंटेंसिटी की क्रियाओं में प्रयोग होता है, जैसे 100 मीटर दौड़। एंड लाल पेशी तंतु जो है रेड मसल फाइबर इंड्योरेंस यानी सहनशीलता वाले कार्डियो
रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस वाले क्रियाओं में, यानी कि एरोबिक क्षमता वाले क्रियाओं में यूज होता है। तो लाल पेशी तंतुओं में, पेशियों में होती है तो ज्यादा एरोबिक क्षमता। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 का क। नेक्स्ट है टेंडन आर्टिस है। तो दोस्तों टेंडन के आसपास सूजन, जलन, इंफ्लामेशन होता है, उसे टेंडन टेंडनाइटिस कहते हैं। तो टेंडन की सूजन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सील स्प्लिंट होता है। तो दोस्तों सील स्प्लिंट जो है निचले पांव टखने में होता है, एंटीरियर के आसपास, जैसे कि एंटीरियर लेग पेन इसको बोला जाता है। एंटीरियर लेग पेन को सीन पेन, सीन स्प्लिंट आदि नामों से जाना जाता है। इसमें खिलाड़ी के अनुकूलन कंडीशनिंग में न रहने के कारण, या नए खेल खेलने, या नए जूते पहनने, या मैदान की सतह कठोर होने के कारण, या प्रशिक्षण की तीव्रता इंटेंसिटी अधिक होने के कारण यह चोट लगता है। इस चोट में पैरों की टिबिया हड्डी के पास स्थित टिबियोलिस में दर्द का आभास तथा एंटीरियर या पोस्टीरियर टिबिया पेशी में सूजन तथा दर्द का बना रहता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम कारक है। तो दोस्तों कोई भी पाठ्यक्रम जो है वह सीखने के अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों में कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है। तो दोस्तों खिलाड़ियों में कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन का कारण है कि योग्यता तथा आकांक्षा स्तर में असंतुलन, यानी संतुलन न बैठा पाना ही होता है। नेक्स्ट है सीढ़ियां चढ़ते समय उपयोग में आने वाली ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियां उतरते समय ऊर्जा का व्यय कितना होता है। तो दोस्तों 25% होता है, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते समय ज्यादा एनर्जी आवश्यकता होती है और उतरते समय कम। नेक्स्ट है व्यायाम के समय एक सामान्य व्यक्ति के हृदय से निकलने वाली रुधिर का प्रति मिनट आयतन 4 लीटर से बढ़कर हो जाता है। तो 4 लीटर मिनिमम होता है दोस्तों, लेकिन ये आपका जैसे कि जो कार्डियक आउटपुट होता है वो, जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, कि हृदय के एक धड़कन से जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि बाएं निलयस के संकुचन होने पर जितना रक्त शरीर की तरफ जाता है उस रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यह ज्यादातर सामान्यतः 70 ml होता है। एंड उसके बाद कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को, दोनों को याद रखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम एक धड़कन में, एक पंप यानी एक धड़कन में हृदय द्वारा किए गए पंप किए गए रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा को। तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml, हार्ट रेट कितना है 72, दोनों को 70-72 गुणा करेंगे 5040 ml आएगा। यानी कि 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट यानी हृदय कितना रक्त को पंप करता है 5.04 लीटर, यानी लगभग 5 लीटर। तो अगर व्यायाम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा हार्ट रेट जो है 180 प्रति मिनट चला जाता है, तो 70 में 180 आप गुणा कर लेंगे शायद 15 लीटर के आसपास आएगा। नेक्स्ट है बाहरी और भीतरी आलोचना क्रिटिसिज्म किस शोध में की जाती है। तो दोस्तों यह ऐतिहासिक शोध हिस्टोरिकल में किया जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत के भाग का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों छोटी आंत के भाग का सही क्रम है, इसमें 2-3 भाग होते हैं छोटी आंत के, डेडुनम, जोजिनम, इलियम। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर यानी 22 फिट होता है। नेक्स्ट है निम्न से खेलने की सतह है। तो दोस्तों इसमें से टेरा फ्लैक्स जो है ये खेलने की सतह है। नेक्स्ट है ओलंपिक झंड में बना काला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ओलंपिक झंडे में 5 गोले होते हैं, 5 छल्ले, नीला, पीला, काला, हरा एंड लाल। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक,
हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पांचों छल्ले पांच महाद्वीप के प्रतीक होते हैं और यह दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे काला जो गोला होता है अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज क्या है? तो दोस्तों, जले हुए व्यक्ति का तुरंत इलाज है कि उसे जल्दी से पानी से धोना चाहिए। नेक्स्ट है, खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन की समत्व क्या है? उसके खिलाड़ी खेल प्रदर्शन कैसा कर रहा है तो वो आपका निर्भर करता है कि ट्रेनिंग कैसा है, वो कितना तैयारी किया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण की दशा, ट्रेनिंग कंडीशन। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो आप सबको पता है ग्वाइटर यानी घोंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो खराब हो जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कार्य कौशल संबंधित सूचना उसे समायोजित नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने में सहायक होती है। तो दोस्तों, कार्य कौशल संबंधित सूचना जो है ये फीडबैक में सहायक करती है। किसमें? फीडबैक में सहायक करती है। नेक्स्ट है, मध्य मस्तिष्क मूर्धा भाग मीडियल ब्रेन स्टेम का संबंध किस भाग के नियंत्रण से है? तो दोस्तों, यह संवेग यानी मोमेंटम भावनाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से एक शारीरिक शिक्षक में निम्न में से एक तत्व होना आवश्यक है। तो दोस्तों, उनमें तकनीकी ज्ञान और कौशल का होना आवश्यक है, तभी शारीरिक शिक्षा एक पूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के प्रबंधन तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए? तो दोस्तों, यह होना चाहिए शिक्षण के सिद्धांत पर। प्रबंधन तथा प्रशासन का जो आधार है किस एक सिद्धांत पर होना चाहिए, दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे तो राइट आंसर जो यांत्रिकी होना चाहिए, बट यहाँ पे शिक्षण दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो यांत्रिकी होगा कि शिक्षण होगा। तो प्रबंधन और प्रशासन का आधार यहाँ पे शिक्षण से होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है, जर्मन शारीरिक शिक्षा की धारणा के अनुसार सभी खेल क्रियाओं की जननी क्या है? तो दोस्तों, मदर ऑफ स्पोर्ट्स जिम्नास्टिक को कहा जाता है, अब क्यून ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक को कहा जाता है, यानी कि खेलों की जननी जिम्नास्टिक और खेलों की रानी एथलेटिक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांतों का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, इसके सिद्धांतों का मुख्य स्रोत है तत्व ज्ञान यानी फिलॉसफी एवं विज्ञान। नेक्स्ट है, किस काल में सबसे अधिक वृद्धि होती है? दोस्तों, तो सबसे अधिक वृद्धि शैशव काल यानी इन्फेंसी पीरियड एंड किशोरावस्था एडोलेसेंस किशोरावस्था में होता है। बट किशोरावस्था से भी ज्यादा जो वृद्धि की बात कर रहा है या इन्फेंसी पीरियड यानी शैशवावस्था में होता है, बट यहाँ पे तरुणावस्था राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट है, खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्विस्थापन यानी रिहेबिलिटेशन में पुनर्वास में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए तीन सिद्धांत हैं। एक है सुधारात्मक व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज एंड मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एंड फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे कोई नहीं दिया है, सुधारात्मक व्यायाम ही दिया है, तो सुधारात्मक व्यायाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलकूद गतिविधियों में सबसे प्रभावी लीवर कौन सा है? तो दोस्तों, आपको पता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रभावी सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है तृतीय प्रकार का लीवर, जिसमें फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, किस शासन के पत्र का यह हिस्सा है? तो दोस्तों, यह यूनेस्को शासन पत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, बॉडी ब्यूटीफुल यानी सुंदर काया ब्यूटीफुल फिजिक्यू किसका आदर्श था? तो यह ग्रीस वासियों का आदर्श था। नेक्स्ट है, इलियड एंड ओडिसी ग्रंथ की रचना किसने की है? तो होमर ने किया है, जो एक अंधे दार्शनिक थे। किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई? दोस्तों, तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक शपथ दिलाई गई, और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ही पहली बार ओलंपिक प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा फहराया गया,
और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार कबूतर छोड़ा गया। ये तीन चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था, व्यवहारिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता कोर प्रोग्राम कब बनाया गया। तो यह बनाया गया 1965 में। नेक्स्ट है कौन दशा दबाव से संबंधित है। दबाव यानी चिंता यानी फ्रस्ट्रेशन। तो दोस्तों उच्च रक्तचाप हो जाता है, ज्यादा आप चिंता करेंगे, एंजाइटी होगा तो मानसिक रोगी हो जाएंगे, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, बट रक्त अल्पता नहीं है क्योंकि यह आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट है स्थिति यानी स्टेटस में परिवर्तन क्या है। तो दोस्तों स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनाबोलिक स्टेरॉयड सीधे किससे प्रभावित करती है। तो यह डोपिंग के अंतर्गत क्वेश्चन है। तो दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है सीधे मांसपेशी की सहन क्षमता और असीम शक्ति को बढ़ा देती है। यानी एनाबोलिक स्टेरॉयड को पुरुष के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है और एनाबोलिक स्टेरॉयड जो है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको एनाबोलिक स्टेरॉयड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है। AAS का मतलब एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी मस्कुलिनिंग। एनाबोलिक का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी ऊतकों का निर्माण। दोस्तों जो एनाबोलिक स्टेरॉयड होता है ये वसा की मात्रा इसके सेवन से कम हो जाती है, पेशियों की ताकत और सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है जिसे सक्रिय उत्तेजित करती है और मानसिक रूप से अपने आप को खिलाड़ी जो है मजबूत समझने लगता है। और महिलाओं द्वारा इसका सेवन करने पर पौरुष तत्व के गुण आ जाते हैं जैसे कि आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ आ जाना। और एनाबोलिक स्टेरॉयड के अंतर्गत एजेंट्स आते हैं जैसे नेट्रोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिथियोनोन आदि आता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रतिक्रिया समय रिएक्शन टाइम किसका घटक है। तो दोस्तों प्रतिक्रिया समय ये स्पीड से रिलेटेड है। रिएक्शन टाइम जैसे कि आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं तो जैसे ही आन्यूर मार्क्स सेट एंड गो बोलते हैं तो जो ही बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है तुरंत उस पर प्रतिक्रिया किया जाता है, यानी संकेतों को तुरंत समझना, उस पर एक्शन लेना। तो यह मोटर क्षमता का घटक है। जैसे कि आपको बताया गया है कि जो फिजिकल फिटनेस है वो दो प्रकार में बांटा गया है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी आता है। नेक्स्ट है ओलंपिया नामक स्थान किन दो नदियों के मध्य बसा हुआ है। तो दोस्तों ओलंपिया नामक स्थान जो है वह एल्फियास तथा क्लॉडियस नदियों के मध्य बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलर तथा स्पेंसर निम्नलिखित खेल सिद्धांतों में से किस एक सिद्धांत से संबंधित है। तो दोस्तों सीलर और स्पेंसर ने अतिरिक्त ऊर्जा यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी दिया था। अतिरिक्त शक्ति या अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत एंड भविष्यदर्शी धारणा यानी पूर्वानुमानित धारणा एंटीसिपेटरी थ्योरी दिया था कार्ल ग्रूस ने। इसे पूर्वाभ्यास और तत्परता के नाम से भी जाना जाता है। और मनोरंजनात्मक धारणा रिक्रिएशनल थ्योरी लॉर्ड केन्स तथा GW पैट्रिक ने दिया। पुनः अवलोकन यानी पुनर्कथन पुनरावृत्ति धारणा यानी रिकैपिटुलेटरी थ्योरी को दिया स्टैनली हॉल ने, जिसे पूर्व अनुभवों को पुनः अनुभव करना होता है। एंड मनोविश्लेषण धारणा साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड ने दिया। एंड रेचन विरेचन धारणा यानी कैथेटिक थ्योरी अरस्तु ने दिया। सोशल थ्योरी सामाजिक धारणा भी अरस्तु ने दिया। खेल ही जीवन है कि धारणा पेज लाइफ थ्योरी दिया जॉन डीवी ने। एंड अहम विस्तारण धारणा लैंज ने। सहज प्रवृत्ति धारणा विलियम मैकडूगल ने दिया। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।